बूंदी के संस्थापक राव देवा हाडा थे। राव देवा पहले भैंसूड़ स्थान पर मेवाड़ के दीनदम रहते थे। राव देवा बड़े ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाते हुए बम्बावदा और मेनाल तक अपने राज्य का विस्तार किया था। कुछ समय पश्चात राव देवा ने मेवाड़ के राणा हरि सिंह की सहायता से जैता मीणा को हराकर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। जैता मीणा के दादा मुंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ है। बूंदी विजय करने के बाद राव देवा ने राजा गजमल गौर से खटखड़, मनोहरदास गोहिल से पाटन, गौर राजपूतों से घेणोली और लाखेरी तथा जसकरण दहिया से करवर के क्षेत्र जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। राव देवा के देहांत होने पर बूंदी की गद्दी पर उनके पुत्र समर सिंह सन 1343 में बैठे। इन्होंने कैथून, सीसवली, बड़ोद, रेलावन, रामगढ़, मऊ और सांगोर आदि स्थानों के गौड, पवार तथा मेड़ राजपूतों को हराकर उनको अपना सामंत बनाया तथा अपने पैतृक राज्य को सुदृढ़ किया। भील, मीणों आदि का दमन कर अपने राज्य का विस्तार किया। इनके चार पुत्र नरपाल, हरपाल, जय सिंह और डूंगर सिंह थे। ज्येष्ठ पुत्र नरपाल बूंदी का स्वामी हुआ। राव नरपाल ने करीब 24 वर्ष तक राज्य किया था। नरपाल ने पलायथा के महेशदान खिंची को हराकर पलायथा को अपने कब्जे में किया था। इनका विवाह टोडा के सोलंकी सरदार रेपाल की पुत्री से हुआ था। राव नरपाल के तीन पुत्र हम्मीर, नौरंग और पीर राज थे। इनमें से इनके ज्येष्ठ पुत्र राव हम्मीर बूंदी की गद्दी पर सन 1384 में बैठे। राव हम्मीर को हमा भी कहते थे। हम्मीर वीर पुरुष थे। इन्होंने बूंदी के पास शेरगढ़ के पवारों से लोहा लिया था, क्योंकि पवारों ने इसके पिता नरपाल की गणगौर को लूटा था। राव हम्मीर के दो पुत्र वीर सिंह और लाल सिंह थे। पिता हम्मीर के बाद ज्येष्ठ पुत्र वीर सिंह बूंदी की राजगद्दी पर बैठे। वीर सिंह के तीन पुत्र थे। उनमें से उनके ज्येष्ठ पुत्र वैरीसाल जी अपने पिता की मृत्यु के बाद बूंदी की राजगद्दी पर बैठे। इनके समय मांडू के सुल्तान महमूद ने बूंदी पर कई आक्रमण किए। इन आक्रमणों का मुकाबला करते हुए वैरीसाल ने युद्ध भूमि में ही वीरगति प्राप्त की और बूंदी पर शत्रु का अधिकार हो गया। इनके बाद भानदेव जी अपने पिता वैरीसाल के उत्तराधिकारी हुए। भानदेव बूंदी के इतिहास में एक प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं। भानदेव ने अपने भाई सांडदेव की सहायता से मांडू के सुल्तान से युद्ध कर बूंदी वापस विजय कर ली थी। साथ ही इन्होंने मांडू के सुल्तान के इलाकों पर खूब लूटपाट करके आतंक मचाया था, परंतु सुल्तान इनका कुछ उखाड़ नहीं पाया। इनके तीन पुत्र थे, नारायण दास, नरसिंह दास और नरबद। इनमें से ज्येष्ठ पुत्र नारायण दास बूंदी की राजगद्दी पर बैठे। नारायण दास बड़े वीर और साहसी योद्धा थे। इन्होंने हाड़ोती के क्षेत्र पर पूर्ण रूप से अधिकार किया था और बूंदी को जीतने की चेष्टा रखने वाले शत्रुओं को इन्होंने करारी मात दी थी। ये चित्तौड़ के महाराणा रायमल के समकालीन थे। जब मालवे के सुल्तान गयासुद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया था, तब राव नारायण दास अपनी सेना लेकर राणा रायमल की सहायता के लिए चित्तौड़ पहुंचे और यवनों को मार भगाया। इस युद्ध में नारायण दास के कई घाव लगे और उसके कई हड्डा सैनिक काम आए। नारायण दास की इस सहायता से प्रसन्न होकर महाराणा रायमल ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया। राव नारायण दास ने खानवा के मैदान में राणा सांगा के दीनता में बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था। इसके तीन पुत्र सूरजमल, रायमल और कल्याण दास थे। राव नारायण दास की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र सूरजमल राजगद्दी पर बैठे। सूरजमल के उत्तराधिकारी राव सुल्तान हुए। बूंदी के इतिहास में एकमात्र राव सुल्तान ही ऐसे राजा थे जो बड़े ही अत्याचारी और निर्बल थे। इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे प्रजा तो इनके विरुद्ध हुई ही, साथ ही सभी हड़ा सरदार भी इनके विरुद्ध हो गए। इनके समय ही बूंदी के कई इलाके शत्रुओं ने दबा लिए थे, परंतु इन्होंने शत्रुओं से एक युद्ध तक नहीं किया था। बाद में इनके अत्याचारों से परेशान होकर हाडा सरदारों ने इनको राजगद्दी से उतारकर राव सुरजन हाडा को बूंदी की राजगद्दी पर बैठाया। राव सुरजन हाडा बूंदी नरेश नारायण दास के भाई नरबद के प्रपौत्र थे। राव सुरजन हाडा तक बूंदी मेवाड़ के अधीन थी, लेकिन इन्होंने मेवाड़ का अधीनता छोड़कर मुगलों से संबंध स्थापित कर लिए और इसके साथ ही बूंदी मेवाड़ से अलग होकर एक स्वतंत्र रियासत बन गई। राव सुरजन हाडा का नाम बूंदी के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इन्होंने बूंदी के वो इलाके वापिस जीत लिए जो राव सुल्तान के समय बूंदी के शत्रुओं ने दबा लिए थे। राव सुरजन हाडा ने रणथंभौर का किला जीत कर अपने अधीन कर लिया था। इन्होंने मऊ के रायमल खिंची को मारकर सिसावली और बड़ोद के इलाके विजय किए थे। सुरजन हाडा ने अकबर के दीनता स्वीकार कर ली थी, जिससे बूंदी मेवाड़ से अलग होकर एक स्वतंत्र रियासत बन गई थी। अकबर ने राव सुरजन हाडा को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी और कई जागीरें इनाम के तौर पर दी थी। सुरजन हाडा के तीन पुत्र थे, राजकुमार दूदा, भोज व रायमल।
राव सुरजन के बाद में राजकुमार भोज बूंदी की गद्दी पर बैठे। राव भोज ने मान सिंह के साथ रहकर शाही युद्धों में भाग लिया था और उड़ीसा में इन्होंने अफगानों के विरुद्ध युद्धों में वीरता दिखलाई थी। और जिस समय गुजरात में इब्राहिम हुसैन मिर्जा पर अकबर ने चढ़ाई की, उस समय राव भोज भी युद्ध में उनके साथ थे। सूरत का किला और अहमदनगर का किला विजय करने में राव भोज की अहम भूमिका थी। इन युद्धों में राव भोज ने बड़ी वीरता दिखाई थी। अहमदनगर के युद्ध में भोज की वीरता पर प्रसन्न होकर बादशाह ने भोज के नाम पर वहां के किलों की बुर्ज का नाम भोज बुर्ज रखा था। राव भोज के चार पुत्र थे, रतन सिंह, हृदय नारायण, केशव दास और मनोहर दास। राजा भोज की मृत्यु के बाद रतन सिंह बूंदी की राजगद्दी पर बैठे। राव रतन सिंह हाड़ा सम्राट जहांगीर का बड़ा कृपा पत्र था। इन्होंने शाही सेना की ओर से कई युद्धों में भाग लिया था और दक्षिण के युद्धों में भी इन्होंने मुगलों की ओर से युद्ध कर विजय दिलाई थी। जहांगीर इनकी सेवाओं से काफी प्रसन्न हुआ। जहांगीर के समय राव रतन सिंह मुगल साम्राज्य के प्रमुख स्तंभ माने जाते थे। राव रतन सिंह ने मऊ के खिंची चौहानों को हराकर उनके गढ़ गागरौन, मऊ व चाचरणी आदि स्थानों को जीतकर अपना अधिकार स्थापित किया था। मुगल बादशाह राव रतन सिंह से बहुत प्रसन्न हुआ था और उसने नौबत, नक्कारा व शाही निशान तथा पीला झंडा उनको प्रदान किया था। राव रतन सिंह के देहांत के बाद उनके पौत्र शत्रुसाल हाडा बूंदी की राजगद्दी पर बैठे। यह बड़े वीर और पराक्रमी नरेश थे। इन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया था। ये बादशाह शाहजहां के बड़े कृपा पात्र थे। जब यह राज सिंहासन पर बैठे तब बादशाह ने इन्हें राव का खिताब, 3000 जात व 2000 सवार का मनसब प्रदान किया था। औरंगजेब ने जब दक्षिण के दौलताबाद, बीदर, गुलबर्गा व दमोनी पर विजय प्राप्त की थी, तब इन विजयों में शत्रुशाल हाडा ने अपनी सेना सहित वीरता प्रदर्शित की थी। इनके चार पुत्र भाव सिंह, भीम सिंह, भगवंत सिंह और भारत सिंह थे। इनमें से ज्येष्ठ पुत्र भाव सिंह बूंदी की राजगद्दी पर बैठे। भाव सिंह के बाद राव अनिरुद्ध सिंह हाडा बूंदी के राज सिंहासन पर बैठे। बूंदी राव अनिरुद्ध सिंह एक वीर राजपूत थे। माना गया और जब सवाई जयसिंह जी की मृत्यु हुई तब उमेश सिंह जी ने कोटा के दुर्दनशाल हाडा की सहायता से बूंदी पर अपना अधिकार कर लिया। महाराज उमेश सिंह अपने पिता बुद्ध सिंह के बाद बूंदी की गद्दी पर बैठे, परंतु बूंदी की गद्दी को पाने के लिए उनको बहुत संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उमेश सिंह अपने समय के बहुत वीर और प्रसिद्ध क्षत्रिय थे। उमेश सिंह के बाद विष्णु सिंह और विष्णु सिंह के बाद महाराव राजा राम सिंह बूंदी की गद्दी पर बैठे। राम सिंह के बाद में क्रमशः रघुवीर सिंह, ईश्वरी सिंह, बहादुर सिंह तथा रणजीत सिंह बूंदी की राजगद्दी पर बैठे। रणजीत सिंह के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी, जिस कारण इनके देहांत के बाद में कापरेन ठिकाने के महाराज बलभद्र सिंह के पुत्र वंशवर्धन सिंह बूंदी की राजगद्दी पर बैठे। यह अभी वर्तमान में बूंदी के 26वें महाराव राजा हैं।